इन्फिनिक्स वालों ने सही ड्रामा लगाया हुआ है, अवाम को सही मैं कहता हूँ पागल बनाया हुआ है। भाई 61,000 रुपए का फोन लॉन्च किया, किसी बंदे को नहीं मिला और अब उन्होंने प्राइस 75,000 रुपए कर दी है। यार ये क्या ड्रामा है, मैं सारी गेम आप लोगों को बताता हूँ, तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं टॉफर में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नोट 30 प्रो के हवाले से टॉफर में ऑफिशियल ये वो चैनल है जिसके ऊपर सबसे पहले जो नोट 30 प्रो के हवाले से पाकिस्तान में वीडियोज बनाई थी रिव्यू के हवाले से और उसकी डिटेल बताई थी, वो भाई आपका भाई आपके सामने हाजिर है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या ड्रामेबाजी की कि जिसकी वजह से मैं इतना मुतनफर हुआ कि मैंने कहा कि भाई इस कंपनी का बायकॉट कर दो, क्योंकि ये कंपनी ने ड्रामे लगाए हुए हैं। कंपनी ने 31 जुलाई को नोट 30 प्रो पाकिस्तान के अंदर लाइव किया, उससे पहले इसकी लीक्स वगैरह जब आए तो मैंने वीडियोज बना दी थी इसके हवाले से, और साथ ही साथ जब मैंने मार्केट के अंदर जाकर पूछा कि भाई ये कब आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये 31 जुलाई को लॉन्च होगा और अब मार्केट के अंदर कब तक आएगा इसका आइडिया नहीं है। तो अब प्री बुकिंग चल रही है इस टाइम के ऊपर, अगर आप करवाना चाहिए, ये लॉन्च होने से पहले की बात है, प्री बुकिंग मार्केट में चलना शुरू हो गई थी, तो मैंने मार्केट के अंदर पैसे दे दिए थे उसके। और इस वजह से कि भाई एक तो मुझे चाहिए भी था मोबाइल और दूसरा आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह उसके लिए बना दूं, तो उसके लिए मैंने मोबाइल परचेस करने के लिए पैसे दे दिए। लेकिन कंपनी ने क्या ड्रामेबाजी की, पहले 61,000 रुपए का लॉन्च किया, कुछ दिनों के बाद अच्छा वो 61,000 रुपए का एक्सपायर के ऊपर लाइव करना था 31 जुलाई को, और 31 जुलाई को किसी बंदे को भी एक्सपायर के ऊपर मोबाइल नहीं मिला और आउट ऑफ स्टॉक इन्होंने कर दिया। साथ ही साथ सुबह 11 बजे लाइव होना था, 11 बजे आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब सही किस्म का आवाम को इन्होंने फुदू लगाया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई, बड़ा अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स आया। उसके बाद इन्होंने जो मार्केट के अंदर मोबाइल भेजना था जो प्री बुकिंग वाले, वो भी इन्होंने नहीं भेजा। जुलाई के बाद अगस्त का महीना हो गया, 15-20 दिन गुजर गए, कोई मोबाइल नहीं, तो मैंने जो प्री बुकिंग के पैसे दिए थे मैंने वापस ले लिए, क्योंकि कंपनी ने 61,000 रुपए का फोन 70,000 रुपए 71,000 रुपए में कर दिया, 9-10,000 रुपए इसकी प्राइस बढ़ा दी। भाई क्या ड्रामा है यार, 61,000 रुपए का लॉन्च किया, पहले पहुंचा तो दो, पहला स्टॉक तो मार्केट के अंदर पहुंचा दो ताकि आवाम तक पहुंचे, उसके बाद अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो अच्छे भी लगते हो। किस मुंह से आप लोग जो है पहले प्राइस 61,000 रुपए की और फिर 71,000 रुपए में आप लोग सेल करने शुरू हो गए हो, जब यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ वीडियोज बनाई और बहुत सारे लोगों ने इसका बायकॉट किया, तो दोबारा कंपनी ने 61,000 रुपए इसकी प्राइस कर दी और लोग बड़े खुश हुए 61,000 रुपए होगा भाई, मिल जाएगा 61,000 के अंदर। और लेकिन उस टाइम के ऊपर भी जो मार्केट के अंदर मोबाइल मिल रहा था वो 85,000, 85,000, 90,000, 95,000 का सेल हो रहा था, प्राइस वे पे भी यही प्राइस थी 95,000 रुपया। लेकिन कंपनी ने आवाम को इतना ही कह लूं कि वो बनाया हुआ है कि अभी कंपनी ने इसकी 75,000 रुपया प्राइस कर दी है और अभी तक मार्केट के अंदर ऑफिशियल प्राइस टैग के अंदर तो मिला ही नहीं है भाई किसी को, और जिन दुकानदारों के पास ऑफिशियल प्राइस टैग के अंदर आया है उन दुकानदारों को भी जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि 60 पीस जो है वो डिफरेंट चार पांच मॉडल्स हैं उनके उठाने पड़ते हैं कि जो कंपनी के सेल नहीं हो रहे। जब दुकानदार जो है 20-25 लाख, 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके वो उठाएगा मॉडल्स जो कि रिटर्नेबल भी नहीं है, कंपनी को रिटर्न भी नहीं कर सकता बाद में, और उसके साथ 5 या 10 पीस मिलेंगे नोट 30 प्रो के, तो दुकानदार ने तो 85,000-90,000 का ही सेल करना है ना, दुकानदार 25-30 लाख रुपया उन 10 पीस के पीछे वो लगा रहा है, तो डेफिनेटली वो तो कमाएगा उससे। और कंपनी ने आवाम को सही फुदू लगाया हुआ है कि भाई उन्होंने 75,000 रुपया प्राइस कर दिया, ड्रामा लगा हुआ है यहां पे। इस टाइम पे कंपनी को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही हल है कि भाई बायकॉट कर दो, भाई 2-4 महीने आप लोग मोबाइल नहीं लेंगे कोई कयामत नहीं आ जाएगी। पाकिस्तानी आवाम एक तो इतनी कहने के जल्दी जल्दबाज है कि इन्होंने इशारा भी तोड़ना होता है, इन्होंने कोई नाका लगा हुआ उसको भी तोड़ना होता है, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहनना होता, इन्होंने हर जो है ना दो नंबरी करनी होती है, बिजली चोरी इन्होंने करनी होती है, कोई भी चीज हर जगह पे पहले इन्होंने पहुंचना होता है। ओ भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, ना पहुंचने से पहुंचना बेहतर होता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो भाई ना खरीदने से खरीदना बेहतर है, तो बेहतर यह कि थोड़ा वेट कर लो, आप 2-4 महीने नहीं खरीदोगे बायकॉट कर दोगे कंपनी का, कंपनी तो कहने के आसमान से आसमान पर स्टंप पर चढ़ी हुई है ना, जमीन पर आ जाएगी एक दफा, और आप लोगों को इजीली स्टॉक मिलेगा और ऑफिशियल प्राइस टैग के अंदर मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट के अंदर पूरी प्राइस टैग के अंदर मोबाइल मिले, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपए का बिलफर्ज फोन था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो अच्छे दिन थे, 20,000 रुपए का फोन था तो वो फोन जो है वो 18,000, 17,800, 17,500 इस प्राइस टैग के अंदर मिलता था। ये मैं बात करूं कस्टमर को इस प्राइस टैग के अंदर मिलता था, ये इन्फिनिक्स टेक्नो की भी बात करूं और दीगर फोन्स की बात करूं। लेकिन ये वाहिद ऐसा टाइम आ गया कोरोना के बाद कि भाई जो मोबाइल 30,000 रुपए का है वो 35,000 रुपए का मिल रहा है, वो 32,000 रुपए का मिल रहा है, वो 40,000 रुपए का मिल रहा है। यार ये क्या ड्रामा लगा है, जो कंपनी ने जिस मोबाइल की प्राइस रखी है 30,000 रुपया, मिसाल दे रहा हूं, ये 61,000 रुपए, चले 61,000 की बात करूं, तो उन्होंने 61,000 रुपए की सोच के रखा होगा ना कि भाई 61,000 का सामान लगाया तो 61,000 का ही सेल करना है, जब उसकी वर्थ 61,000 रुपए, कंपनी ने 61,000 रख दिया है, तो दुकानदार कौन होता है
60-70 हज़ार रुपए का सेल करने वाला, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, उसमें जिम्मेदार कंपनी, ये कंपनी खुद जो है आवाम को चूतिया बनाया हुआ है, और कंपनी ने आवाम को जो है फुदू लगाया हुआ है, और दुकानदारों को भी जो है उन्होंने अपना स्टॉक सेल करने के लिए ड्रामा लगाया हुआ है, और उनको पता है कि दुकानदार महंगे सेल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कोई भी स्टेप नहीं उठा रही इस टाइम के ऊपर, क्योंकि कंपनी मिली हुई है भाई, सीधी सी बात है इसके अंदर। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, 2-4 महीने वेट कर लो, 2-4 महीने इसका बायकॉट कर दो, इन्फिनिक्स का ना परचेज करो, कोई आप क्यामत नहीं आ जाएगी, जो मोबाइल इस्तेमाल करो इसी पे गुजारा करो, 2-4 महीने में कोई मतलब क्यामत नहीं आते, नहीं ऐसे गुजर जाते हैं छुट्टियों में, आजकल टाइम का पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद अगर आप जब परचेज करेंगे ना, तो कंपनी को भी पता होगा कि भाई मुनासिब कीमत में के अंदर मार्केट के अंदर पहुंचाने हैं, दुकानदारों को मुनासिब कीमत के अंदर सेल करने हैं, और स्टॉक जो मॉडल चाहिए वही मिलेगा, और पूरा पूरा स्टॉक मिलेगा, और दुकानदार भी जो है स्टॉक जब उसके पास पूरा होगा तो डेफिनेटली कम प्राइस के अंदर सेल करेगा, या उस प्राइस के अंदर सेल करेगा जो कंपनी का ऑफिशियल प्राइस है, उसे महंगा नहीं सेल करेगा, कंपनी स्टेप उठाएगी उसके खिलाफ, दुकानदार के खिलाफ, जो दुकानदार महंगा मोबाइल सेल करेगा, तभी जो है तब्दीली आ सकती है, उसे पहले नहीं आ सकती। उम्मीद है दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।